श्रद्धा में सबसे पहले बात उस 52 डिग्री वाले टॉर्चर की जिसे इस वक्त लाखों हज यात्री महसूस कर रहे हैं। सऊदी अरब के मक्का से गर्मी की कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, आई हैं, जो कि डराती हैं, भयभीत करती हैं, विचलित कर सकती हैं, क्योंकि मक्का की सड़कों पर इस वक्त हर तरफ मौत वाला मंजर है। जगह जगह पर लोगों के शव हैं और ये वो हज यात्री हैं जो हज के लिए मक्का पहुंचे हैं। आपको यकीन नहीं होगा, सऊदी अरब के मक्का में इस वक्त गर्मी इतनी ज्यादा है कि सड़क पर चलते चलते हज यात्रियों की मौत हो रही है। एक दिन पहले मक्का में तापमान 52 डिग्री तक पहुंच गया था और इसी गर्मी में कई हज यात्रियों ने दम तोड़ दिया। सिर्फ पिछले 5 दिनों में 10, 50 या 100 नहीं बल्कि 500 से ज्यादा हज यात्रियों की मौत हो चुकी है। जिनकी मौत हुई उनमें मिस्र के 323, जॉर्डन के 60 हज यात्री थे। हालांकि इनमें कोई भारतीय है या नहीं इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। हाल यह है कि मक्का की जो सबसे बड़ी मॉर्चरी है अल मोइसम, उसमें शवों की लाइन लग गई है। पहले कुछ वीडियो दिखाते हैं जिससे आपको यह एहसास हो जाएगा कि मक्का में हज यात्रियों पर कितना बड़ा संकट है। वैसे ऐसा नहीं है कि मक्का जाने वाले हज यात्रियों की मौत गर्मी से पहली बार हुई हो। जिस मौसम में सऊदी अरब में यात्रा होती है वहां तापमान ज्यादा रहता है। पिछले वर्ष भी 240 हज यात्रियों की मौत हुई थी, लेकिन इस बार सिर्फ 7 दिन में 557 हज यात्रियों की मौत से लोग भयभीत हैं, डरे हैं। इसका कारण क्या हो सकता है, ध्यान से देखिएगा। जर्नल ऑफ ट्रैवल एंड मेडिसिन 2024 की रिसर्च के अनुसार जलवायु परिवर्तन का बड़ा असर सऊदी अरब पर पड़ा है। विशेषज्ञों के अनुसार जहां हज किया जाता है वहां का तापमान हर दशक में करीब 0.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है और आने वाले वक्त में हज यात्रा करने वाले बुजुर्गों पर सबसे बड़ा संकट आने वाला है। लेकिन हज यात्री मक्का में होने वाली मौतों के लिए सऊदी अरब पर अव्यवस्था वाले आरोप लगा रहे हैं। उनके मुताबिक यहां हज यात्रियों के लिए किसी तरह के इंतजाम नहीं है। वैसे लोगों के इन आरोपों पर सऊदी अरब के अधिकारियों के भी अपने तर्क हैं। उनके मुताबिक इस साल करीब 18 लाख हज यात्री आए हैं जिनमें से 16 लाख विदेशी हैं, लेकिन हजारों हज यात्री ऐसे हैं जो गलत और अवैध तरीकों से यहां आए हैं और इसी वजह से गैर पंजीकृत हज यात्रियों के लिए खतरा बढ़ गया है, क्योंकि वो हज मार्ग पर मिलने वाली सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं।